नमस्कार दोस्तों, अनबॉक्स फैक्ट्री की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गुजरात के मेहसाणा शहर के क्राफ्ट पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में, जिसका नाम है हिमालय पेप्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर हर महीने 5000 टन से ज्यादा स्क्रैप पेपर को रिसाइकल किया जाता है। सबसे पहले कंटेनर भर भर के यहाँ पर वेस्ट पेपर को लाया जाता है। अरे, इतना सारा रॉ मटेरियल देखकर तो यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार इसकी रिसाइकलिंग होगी कैसे। सवाल तो सबसे बड़ा यही है, और वो भी एक ही महीने में। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस को। तो प्रोसेस की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल के मॉइस्चर को चेक करने से, जहां मटेरियल को एस्केलेटर में लोड किया जाता है। अरे अरे अरे, ये एस्केलेटर नहीं है, ये तो कन्वेयर है, और यही कन्वेयर से पेपर को पल्पिंग के लिए पल्पर यूनिट में भेजा जाता है, जहां पानी और केमिकल के साथ इसे मिक्स करके पल्प बनाया जाता है। अरे वाह, ये तो कितनी तेजी से मिक्स हो रहा है ना, कमाल की प्रोसेस। अब पल्प को पाइप्स की मदद से सैंड ट्रेप में भेजा जाता है, जहां कंकड़, मिट्टी और रेत को अलग किया जाता है। ठीक है, और अब बारी आई है इसके अगले प्रोसेस की, जहां पल्प को नोजल के जरिए कन्वेयर पर स्प्रेड करके एक समान लेयर बनाया जाता है, और साथ ही इसे धीरे धीरे ड्राई भी किया जाता है। अच्छा, तो इसी प्रोसेस से ही हमारा पल्प पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंसिस्टेंसी जारी रखने के लिए पेपर को जिग जैग रोलर से भी पास किया जाता है। यहाँ पेपर ड्राई होने के साथ साथ इसमें कलर भी ऐड किया जाता है, जहां पर हमारा पेपर अपनी असली क्राफ्ट पेपर वाली पहचान हासिल करता है। अब पेपर को स्कैनर की मदद से स्कैन किया जाता है और कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। इसके बाद ये पेपर का 9000 से लेकर 10000 किलो तक के वजन का बड़ा सा रोल बनाया जाता है। रियली दोस्तों, ये ठीक ऐसे ही बहुत सारे रिसाइकल क्राफ्ट पेपर रोल्स को बनाया जाता है, और इसके साथ साथ इसके कुछ पार्ट्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें सबसे पहले पेपर को कट किया जाता है और वजन करके स्ट्रेंथ की टेस्टिंग की जाती है। सारी टेस्टिंग के बाद यहाँ पे पेपर के रोल को 700 किलो से लेकर 1500 किलो तक के वजन में कट किया जाता है, जो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक अलग अलग साइज में कटिंग ब्लेड से कट किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि क्राफ्ट पेपर का रोल तैयार है। जी हाँ, जहाँ स्ट्रैपिंग के बाद पैकेजिंग की जाती है। सही में मुझे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फाइनली क्राफ्ट पेपर का रोल बाजार में बिकने के लिए तैयार है। अगर आप अपने लिए अच्छी क्वालिटी के क्राफ्ट पेपर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप भी अपनी फैक्ट्री को हमारे चैनल पर अनबॉक्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी क्राफ्ट पेपर की ये फैक्ट्री टूर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? ऐसे ही फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और फैक्ट्री अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।